సరే, సినీ నటుడు వివేక్ ఒబ్రాయ్ మాట్లాడుతున్నారు, నరేంద్ర మోడీ ఆటోబయోగ్రఫీలో ఆయన లీడ్ రోల్ పోషించారు, ఆయన ఏమంటారు ఒకసారి లైవ్ లో చూద్దాం. हाँ, हमें पूरा विश्वास था दो दिन पहले, क्या जब हम फिल्म बना रहे थे तब भी हमें पूरा विश्वास था. लोगों ने कहा कि भाई आप फिल्म बना रहे हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बीच में मोदी जी हार गए, यू नो कोई वेव नहीं है मोदी जी का इस बार और हार जाएंगे. लेकिन हमें विश्वास था कि मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि भारत अब बदल चुका है. अब यहाँ पे आपके बाप का नाम नहीं, आपका काम बोलेगा. काम चाहिए लोगों को और मोदी जी ने किया है काम, बहुत काम किया है गरीब तबकों के लिए और नए भारत को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है. मुझे लगता है कि अब ये जो हमारी फिल्म है ये इंस्पिरेशन देती है. तो मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को और बाकी हमारे जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अपोजिशन के बड़े नेता हैं, जिन्होंने हमारी फिल्म का को अपोज़ किया इलेक्शन कमीशन में, सबको मैं विनम्रतापूर्वक इन्विटेशन देता हूँ, आइए हमारी फिल्म देखिए. कल फिल्म रिलीज़ हो रही है, चिंतन करने का समय है इस वक्त आप लोगों के लिए. तो अगर आप ये फिल्म देखें, शायद आपको भी प्रेरणा मिली, नरेंद्र मोदी जी की ज़िंदगी से आप भी कुछ सीखें और आपको भी प्रेरणा मिले एक अच्छे और बेटर लीडर बनने के लिए. यस, नरेंद्र मोदी सिनेमा रिलीज काकुंडा ईसी दान रिलीज ने पोस्टपोन చేసింది, రేపు రిలీజ్ కాబోతుంది. వివేక్ ఒబ్రాయ్ అదే అప్పీల్ చేస్తున్నారు, నరేంద్ర మోడీ సినిమాను చూడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.